अरे विद्यार्थियों, आज हम आपको कविराय कवि गिरिधर लिखित इस कविता को पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, इस कविता के माध्यम से गिरिधर जी कुल मिलाकर उनकी कविता में 6 कुंडलियां है। उन 6 कुंडलियों में से 3 कुंडलियों का अर्थ कवि के मतानुसार क्या है, ये स्पष्ट करने का प्रयास आज हम कर रहे हैं। पहले कुंडली में, पहले चरण में कवि गिरिधर कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग होते हैं और अपना जीवन यापन करते समय वह गुणी लोगों की कद्र करते हैं और गुण को ही हजारों हजार चाहने वाले ग्राहक मिल जाते हैं। ग्राहक कहने ग्राहक गुण को चाहने वाले हजारों हजार लोग मिल जाते हैं, जबकि दुर्गुण को कोई पसंद नहीं करता। गुणी लोगों के इस समाज में कीमत होती, इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहां पर उन्होंने एक समर्पक उदाहरण दिया है और वो है कोयला और काका का। यानी कौवा और कोयल दिखने में एक जैसे होते हैं, दोनों का रंग एक जैसा है, फिर भी दोनों में, दोनों के आवाज में गजब का अंतर है। कोयल का आवाज सूर्य लगता है, अपने आवाज के बलबूते वो हर इंसान को, हर इंसान उसको चाहता है, मगर कोयल को सब, कौवे को सब लोग धुतकारते हैं, अपवित्र मानते हैं। ये बात उन्होंने पहली कुंडली बताई। और दूसरे चरण में कवि आगे जाके कवि गिरिधर कहते हैं कि ये संसार मतलब का मेला है। एक दोस्त भी अपने दोस्त को तब तक चाहता है जब तक उसके पास पैसा है। पैसा है तो यार संग संग डोलता है और पैसा नहीं तो यार मुख से भी नहीं बोलता है। जाहिर सी बात है, लोगों का व्यवहार स्वार्थ से भरा हुआ है। और तीसरे कुंडली में कवि महोदय यहां पर गिरिधर कहते हैं कि जो अभावग्रस्त लोग होते हैं वो अपने नजदीक पड़ोसियों से या अपने दोस्तों से या मित्रों से पैसे लेते वक्त तो मीठा वचन बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, मगर वही पैसे लौटाने की जब बात आती है तो टकासा जवाब देते हैं और मन में कपट बसाए रहते हैं। बहुत दिन हो जाने के बाद वो तो ये भी कहने में नहीं हिचकिचाते हैं कि तुम्हारा कागज ही झूठा है। यानी यही रीत, यही संसार की रीत है। ये बात यहां पर बखूबी, बहुत मार्मिक ढंग से यहां पर कवि महोदय गिरिधर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।